Hello and welcome, guys, in the episode 7 of Pokemon Horizon series. So, in this video, we are gonna see full episode 7 of Pokemon Horizon series with English subtitles. And let me tell you one more thing, guys, this is the first time ever on YouTube full episode of Pokemon Horizon series. So, do like the video and press the subscribe button for all the upcoming full episodes of Pokemon Horizon series with English subtitles. So, let's start the video. तो एपिसोड सेवन की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा एपिसोड सिक्स का रीकैप दिया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सैरुल लेज ने बड़ी बुरी तरह से स्प्रिगा और फ्यूकोको को हरा दिया था और तभी रॉय की मिस्टीरियस बॉल में से शाइनी रिकोजा बाहर आता है जो कि उनको बचा लेता है देन इसके बाद लीको रॉय को अपने साथ कैप्टन फ्रीड के शिप पर चलने को कहते हैं एपिसोड सेवन होता है स्टार्ट एपिसोड सेवन की स्टार्टिंग होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से डे के साथ जिसमें शिप पर रहने वाले सभी मेंबर्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं फ्रीड और कैप्टन पिकाचो शिप को नेविगेट कर रहे होते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है लीको को और तभी उधर रॉय आ जाता है फिर रॉय लीको को कहता है की अब तो हम पोकीमोन ट्रेनर्स है लीको अब तो हमें अपने पोकीमोन्स को ट्रेन करना चाहिए उनका बैटल करवाना चाहिए और पोकीमोन बैटल की बात सुन के लीको भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है देन हमें लीको और रॉय का बैटल देखने को मिलता है जिसमे वो दोनों बिल्कुल ही अनाडियों की तरह लड़ रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने पोकीमोन को कमांड देकर उनको कंफ्यूज कर देते हैं और थोड़े ही टाइम में दोनों ही पोकीमोन थक कर बैठ जाते हैं और इसी के साथ दोनों का बैटल ड्रॉ हो जाता है देन उनको कैप्टन फ्रीड का कॉल आता है जो की मीटिंग रूम में बुलाते हैं फिर लीको और रॉय शिप के बाकी मेंबर्स के साथ मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं उधर कैप्टन फ्रीड लीको और रॉय को उनके पोकी टैब्स देते हैं अपने पोकी टैब्स को देखे लीको और रॉय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं फिर कैप्टन फ्रीड लीको और रॉय को अपने ग्रुप के एक मिस्टीरियस मेंबर के बारे में बताते हैं जिसका नाम डॉट होता है ये मेंबर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग और एंडिंग में दिखाया जाता है जो कि कुछ एडिटिंग का काम करता होता है और कैप्टन फ्रीड रॉय को बताते हैं की ये मेंबर उसको राइकोजा के बारे में बता सकता है कैप्टन फ्रीड की बात सुन के लीको और रॉय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उससे मिलने के लिए और वो जो मेंबर होता है वो बहुत ही रेयरली अपने रूम से बाहर निकलता है फिर लीको और रॉय चले जाते हैं उसके रूम के बाहर नॉक करते हैं पर वहां से अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है फिर लीको और रॉय वहाँ थोड़ा टाइम वेट करने के बाद वहां से चले जाते हैं देन वो दोनों आ जाते हैं हैं कैप्टन फ्रीड के पास और रॉय कैप्टन फ्रीड से कहता है कि वो उन दोनों को पोकेमॉन बैटल करने की ट्रेनिंग दें और फिर कैप्टन फ्रीड कहते हैं कि हाँ मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा देन सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड की तरफ और हम देखते हैं कि लीको और रॉय दोनों एक साथ कैप्टन फ्रीड के साथ बैटल करने के लिए रेडी होते हैं और देन वहां पे धमाकेदार सी एंट्री होती है कैप्टन पिकाचू की देन कैप्टन फ्रीड लीको और रॉय को चैलेंज देते हैं कि वो कैप्टन पिकाचू को सिर्फ टच करके दिखा दे फिर लीको सोचती है इतना इजी बस टच करना है देन उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है इस बार फिर लीको और रॉय अपने पोकीमोन्स को कंटिन्यूस कमांड देते हैं और उनको कंफ्यूज कर देते हैं और इस बैटल में देखने वाली बात ये होती है की कैप्टन पिकाचू जो है वो स्प्रेगाटो और फ्यूकोको पर एक भी अटैक नहीं करता है वो सिर्फ डिफेंड करता है अटैक सिर्फ लीको और रॉय के पोकीमोन्स करते हैं पर फिर भी वो दोनों कैप्टन पिकाचू से हार जाते हैं देन वहां पे लंच टाइम हो जाता है देन लंच टाइम के बाद लीको और रॉय डिसाइड करते हैं कि वो एक और पोकीमोन बैटल करेंगे देन फिर से उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और इस बार हम देखते हैं कि लीको और रॉय बिल्कुल भी कंटिन्यूस कमांड नहीं देते हैं अपने पोकीमोन को कन्फ्यूज नहीं करते हैं वो अपनी गलतियों से सीख गए होते हैं की कहाँ पे उनकी प्रीवियस बैटल्स में गलती हुई थी जिसकी वजह से वो हार गए थे और इस बैटल में लीको जीत जाती है और ये बैटल काफी अच्छा बैटल होता है दोनों का और इसमें दोनों की परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बेटर होती है उनकी बेटर परफॉर्मेंस पे कैप्टन फ्रीड और बाकी टीम उन दोनों को बहुत ज्यादा एनकरे करती है की आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे पोगी मास्टर बन सकते हो और इसके बाद रॉय और लीको फिर से दोनों डॉट के रूम के बाहर चले जाते हैं वहां नॉक करने लगते हैं उसको बुलाते हैं और इस इस बार अंदर से रिप्लाई रिप्लाई आता है इस रिप्लाई है है और और में डॉट उनको चिट भेजती पैलेडिया रीजन का मैप बना होता उसपे शाइनी रेकोजा भी बना होता है ये देखकर रॉय कुछ समझ जाता है और भागा भागा कैप्टन फ्रीड के पास चला जाता है पर लीको अभी भी डॉट से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है पर वो अपने रूम का डोर नहीं खोलती और यहीं पे हमारा एपिसोड सेवन एंड हो जाता है गाइज और हमें एपिसोड एट में पता लगेगा कि डॉट एक्चुअली में है कौन और राय का क्या रिलेशन है पहले से प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सेट द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल ऑल दमिंग पार्ट ऑफिमोरिजन सीरीज